नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हां साथियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज आई बुरी खबर। जी हां साथियों, आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। 29/6/2022 की ताज़ा खबर है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। ठीक है साथियों, फैसला 1 जुलाई से लागू होगा, मेडिकल महंगाई भत्ता भी नहीं। ये देख लीजिए, हरियाणा के 14,000 NHM कर्मचारी है जिनको झटका लगा है। अब इन अनुबंध कर्मचारियों को वार्षिक वेतन, HR, मेडिकल महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बजाय फिक्स वेतन देने का फैसला ले लिया है। ठीक है, यह फैसला 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और इससे कर्मचारियों को अलग अलग स्लैब प्रति माह 8,000 से 15,000 तक का वित्तीय नुकसान हो जाएगा। यानी कि गुस्साए NHM कर्मचारियों ने 30 जून से हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है और श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा ने 4 साल पहले लागू हुए बॉयलॉज को ख़त्म कर वेतन फिक्स करने के फैसले की आलोचना की है। तो ये देख लीजिए साथियों, इनके लिए बुरी खबर आ गई है। 1 जून को बैठक में लिया गया था फैसला। 1 जून में ये फैसला लिया गया था कि बीते 1 जून को वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अध्यक्षता में बैठक हुई थी कि इस दौरान NHM के निदेशक, HR, वित्त, लेखा व विधि अधिकारी NHM शामिल हुए थे। तो बैठक में वेतन फिक्स करने का फैसला लिया गया जो यह 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इन साथियों के लिए बड़ी बुरी खबर आ गई है। अब इनको फिक्स वेतन दिया जाएगा। पहले इनके जो महंगाई भत्ते थे, HR मिलता था इनको, जो मेडिकल की फैसिलिटी मिलती थी, अब वो इनको नहीं मिलेगी साथियों। अब इनका वेतन फिक्स कर दिया जाएगा। तो इन कर्मचारियों के लिए बुरी खबर आ गई है ये। इनको सिर्फ अनुबंधित कर्मचारियों को केवल ग्रेड का एंट्री लेवल वेतन ही देना चाहती है। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए, ये कम से कम भी 14,000 NHM कर्मचारी हैं साथियों जिनके लिए एक बुरी खबर आ गई है। इनको वार्षिक वेतन की वृद्धि नहीं हुई है और ना ही होने वाली है। 1 जुलाई से इनके लिए ये नियम लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने दी आपने। वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।